हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम आपको रिवीजन स्टार्ट करा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग सब बच्चे तैयारी करेंगे। सबसे पहला वर्क है आपका ज्वाइन द लेटर्स, यानी कि इसमें आपको जोड़ के लिखना होता है। जैसे हिंदी में ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको वर्ड्स को जोड़ के लिखना है और एक अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के लिखना है और एक वर्ड बनाना है। जैसे है डी प्लस आई प्लस पी, तो क्या बना? डिप, डी आई पी, डिप। फिर है पी आई एन, पिन, बी आई एन, बिन। डी ओ जी डॉग, सी ओ टी कोट। जी यू एन गन, बी यू एन बन। एन यू टी नट। S U M सम, H O T होट। अब इसमें आपको क्या करना है, अच्छे से रीड कर करके लिखना है। इससे आपको रीडिंग भी आ जाएगी और आपका डिवीजन भी हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको टू टू वर्ड्स बनाने हैं जो आपको वर्ड दिए गए हैं। इसमें आपको फर्स्ट लेटर अपनी तरफ से लगा के और एक वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो। मीनिंग होना चाहिए सब चीज़ों का, ऐसे नहीं लगाना है कि आप कुछ भी बना दें। जैसे इन है, इनके साथ क्या लगा दिया आपने, पी लगा दिया, तब क्या बन गया, पिन। बी लगा दिया तो बिन। ऐसे ही इल, इल के साथ लगा दिया आपने एच तो हिल बन गया, के लगा के किल बन गया। ओ टी, ओ टी के साथ है सी ओ टी कोट। फिर पी लगा के पी ओ टी पोट। फिर ओ वाई, फिर टी ओ वाई ट्वाई, बी ओ वाई बॉय। फिर ओ जी के साथ आपने लगा दिया डी, डी ओ जी डॉग। फिर एल लगा के एल ओ जी लोग, यू पी। फिर यू पी के साथ सी यू पी कप और पी यू पी पप। ऐसे ही यू एन, यू एन के साथ एफ यू एन फन और बी लगा के बी यू एन बन। फिर आपको कंप्लीट द स्पेलिंग करने हैं। इसमें आपको बीच में कोई भी वर्ड लगा के वोवेल्स वर्ड आएगा इनमें और उसके अकॉर्डिंग जिससे उसका कोई मीनिंग बैठता हो ऐसा वर्ड बनाना है। जैसे जेड और पी के बीच में आपने आई लगा दिया जिप, टी के बीच में आई एन लगा दी, आई लगा दिया टिन, एफ के और एक्स के बीच में ओ फॉक्स। फ्रॉग की स्पेलिंग एफ आर ओ जी फ्रॉग, टी फिर खाली जगह फिर बी तो टी के बीच में आएगा यू टब। ऐसे ही एल आई पी लिप, सी ओ डब्ल्यू काव, आर ओ डी रोड, एम यू जी मग, सी यू बी कप। ऐसे करके आपको वर्ड्स इसमें साउंड भरनी है और उससे आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। फिर है आपका डिक्टेशन वर्ड। डिक्टेशन वर्ड आपको कॉपी में हमने भेज दिए हैं, इनको लर्न करना है अच्छे से और इनको याद करना है। और फिर लर्न करके सब बच्चे अपनी मम्मी को बोलेंगे, वो आपको लिखवा देंगी, बोलेंगी आप बिना देखे लिखेंगे। जैसे मैन, रैट, हैन, बैल, पिन, किंग, कोट, डॉग, सम, मग। ओके, फिर है आपका लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। उसके बाद आपको पिक्चर देख के उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये है काइट, फिश, कोट, सिक्स, सन, पोट, कप और मून। नेक्स्ट है बन, फिर है जिप। ऐसे ही सबके आपको नेम लर्न करने हैं, स्पेलिंग लर्न करनी है और पिक्चर की पहचान करनी है। फिर है सर्कल द करेक्ट पिक्चर दैट मैच द पिक्चर, करेक्ट पिक्चर पे सर्कल बनाना है वर्ड पे। ये है टिन, अब पिन टिन कैप में से टिन पे आपने सर्कल बना दिया। फिर है ये रिंग, रिंग में रिंग देख के रिंग की स्पेलिंग क्या है, आर आई एन जी रिंग, इस पे सर्कल बनाना है। ये है आपका पिन, तो पिन की स्पेलिंग ये हो गई, तो इस पे पिन पे सर्कल बनाना है। फिर आपका लिप, तो लिप पे सर्कल बनाना है। ये है आपका रोज, रोज पे सर्कल बनाना है। ये है आपका टॉप, तो टॉप पे सर्कल बना दीजिए।
उसके बाद गन, गन पे सर्कल बना दीजिए, ये आपका टॉय है, टॉय पे सर्कल बना दीजिए, ये फिर टब है तो टब पे सर्कल बना दीजिए, ऐसे ही सबको सर्कल करते जाना है। अब आपकी पिक्चर से वर्ड की मैचिंग है, ये सबसे पहले आपका पिन है तो पिन से मैच कर दीजिए, फिर ये हट, एच यू टी हट, हट देखो, फिर आपका ये लोग, एल ओ जी लोग, फिर सन है तो सन की से मैच कर दीजिए, फिर ये आपका टब, टी यू बी टब, फिर ये बन है तो बन से मैच कर दीजिए, ऐसे ही सबको मैच करना है। फिर ये है आपका मॉब, मॉब से मैच कर दीजिए, ये काइट तो काइट से मैच कर दीजिए। बहुत ध्यान से अच्छे से स्पेलिंग पढ़ के आपको पिक्चर मैच करनी है। अब आपका क्रॉस ओड वन आउट, इसमें आपके राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं लेकिन कोई एक वर्ड बिल्कुल अलग होगा तो आपको वो पहचानना है और उस पर क्रॉस लगाना है, जैसे सी ओ डी, सी ओ बी, एन ओ डी, आर ओ डी, इसमें सब में ओ डी वाले वर्ड है लेकिन ये ओ बी वाला है तो इस पर क्रॉस कर दीजिए। ऐसे ही ओ एक्स ऑक्स, बी ओ एक्स बॉक्स, ओ डबल एफ ओप, एफ ओ एक्स फोक्स, सब ओ एक्स वाले हैं लेकिन ये ओ डबल एफ वाला है, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर आपका डिम, हिम, जिम, लिप, तो सारे एक जैसे हैं, एक जिप अलग है तो जिप को क्रॉस कर दीजिए। फिर बिड, डिड, विन, लिड, अब इसमें विन अलग है तो विन को क्रॉस कर दीजिए। अप, कप, पप, बज, बज अलग हो गया, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर है डल, गल, बड, हल, अब इसमें बड की साउंड अलग है, इसको क्रॉस कर दीजिए। डैन, हैन, मैन, नेस्ट, नेस्ट अलग है ना, इसमें इसको क्रॉस कर दीजिए। ऐसे ही आपको इस वर्क को अच्छे से तैयार करना है और सब बच्चों को एग्जाम की तैयारी करनी है। इसके अलावा आपका एक वर्क रह रहा है, वो अभी आपके पास आ जाएगा, आप उसे तैयार कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, उसके बाद आपको उसकी भी तैयारी करके रखनी है। जैसे दिस दैट, दिस कहाँ पे यूज होता है बेटा, जो हमारी चीज़ हमारे पास होती है, दिस मीन्स होता है यह है, तो यह कहाँ यूज होता है, जो चीज़ हमारे पास है, दूर होगी तो उसके लिए हम ये नहीं बोल सकते ना कि यह पेड़ है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप बोलोगे यह पेड़ है, आप पेड़ के पास खड़े हो तो आप बोल सकते हो दिस इज ए ट्री। आप कहीं दूर कोई हट देख रहे हो, घर देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे, दैट इज ए हट, वह एक घर है या वह एक झोपड़ी है, तो वो दूर के लिए होता है। ऐसे ही काइट, काइट आप हाथ में पकड़े हुए हैं, टच कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज ए काइट, ठीक है। फिर है आपका दैट इज ए फिश, फिश आपसे दूर है, वो पानी के अंदर वो करती है, स्विम करती है ना, तो आप ध्यान से फील करेंगे इसमें, दैट इज ए फिश, वह एक मछली है। फिर आपका दिस इज ए मैंगो, मैंगो आपने मान लो हाथ में पकड़ा हुआ है या आपके पास है, आपके टेबल पे रखा हुआ है, कहीं भी आपकी प्लेट में है, तो आप बोल सकते हो दिस इज ए मैंगो, अगर वो आपसे दूर होता तो आप क्या लगाते, दैट, तो हम बोलते हैं दैट इज ए मैंगो, लेकिन यहाँ पे पास में है, हमारे इधर पास हो गया, ये आपका दूर हो गया, हम इधर हैं आप इधर हो, तो आप कहोगे दैट इज, तो यहाँ पे डक हमसे दूर है, हम यहाँ पे खड़े हैं मान लो, और ये दूर है तो बोलेंगे दैट इज ए डक। ओके बच्चों, अब आपको इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से लर्न करने हैं, डिक्टेशन वर्ड आपको पहले ही सेंड कर चुके हैं हम, उनकी तैयारी करिए और सब बच्चे अच्छे से पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और ध्यान से रीडिंग करनी है डेली। थैंक यू बच्चों।